हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। टुडेज टॉपिक इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग। इट मींस कि जो राइटिंग है, यानी कि जो लेखनी है, लिखने की जो कला है, उसकी क्या व्यवस्था मेसोपोटामिया के समय में देखने को हमें मिलती है। तो उस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। द साउंड ऑफ ए कॉनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वॉज नॉट ए सिंगल कॉन्टनेंट एंड वोवल्स। यानी कि जो अगर हम देखते हैं जो कीलाक्षर है, यानी कि जो कील से लिखी गई जो चिन्ह है, जिनके बारे में हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जो कीलाक्षर यानी कि कील से लिखे गए जो चिन्ह हैं उसके लिए उसमें जो केवल अकेले एक कॉन्सनेंट यानी कि जो व्यंजन है और वोवल है यानी कि जो स्वर हैं उसका इस्तेमाल उसके लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जबकि जो बट सिंबल दीज आर साइन टू ए मेसोपोटामियन स्क्रब्ड हेड, यानी कि जितनी भी जो वर्णमालाएं होती थी, अगर हम देखें जो अक्षर होते थे उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें एम या ए जो होता है, एम जैसे कॉन्टनेंट है वो कॉन्सनेंट है और जो ए है वो वोवल्स है, उस तरीके से जो कीलाक्षर में इस तरीके का उपयोग नहीं किया जाता था। बट उसके अंदर जितने भी जो सिंबल्स होते थे, जो चिन्ह होते थे, जो साइन होते थे, वो एक सिंबल के लिए यूज में लिया जाता था उनको। टू लर्न रन इनटू हंड्रेड्स एंड द हैड टू बी एबल टू हैंडल ए वेट टेबल एंड गेट टू राइट बिफोर इट ड्राई। जो हम देखते हैं कि जो लिपिक होते थे, मतलब जो मेसोपोटामिया में जो क्लर्क होते थे, जो लेखे जोखे का जो काम करते थे, उन्हें जो कई ऐसे चिन्हों के बारे में सीखना पड़ता था, हजारों चिन्हों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करनी पड़ती थी। साथ ही साथ उन्हें जो एक जो गीली पट्टी होती थी, वेट जो टेबल होती थी, उसके ऊपर उन्हें लिखना पड़ता था उसके सूखने से पहले, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाती थी तो उस पर लिखा नहीं जा सकता था। तो इसको जो उस समय के जो लिपिक होते थे यानी जो क्लर्क होते थे, उन्हें बहुत सारे चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती थी और एक वेट टेबल पर उन्हें लिखना पड़ता था, उसके सूखने से पहले उस पर उन्हें लिखना पड़ता था। सो राइटिंग वाज ए स्किल्ड क्राफ्ट, बट मोर इम्पोर्टेंट, जो लिखने की जो कला होती थी वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था और यह एक ऐसी आर्ट होती थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुशलता यानी कि जो स्किल यानी कि कौशल की आवश्यकता पड़ती थी। इट वाज एन इनोमस इंटेलिगेट अचीवमेंट, और यह एक ऐसी चीज़ मानी जाती थी जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। कवरिंग ऑफ विजुअल ऑफ द सिंबल एंड साउंड ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज, यह एक बहुत ही विशेष तरीके की बहुत महान कार्य में से एक माना जाता था, क्योंकि इसमें जो साउंड होते थे, साउंड को एक जो दृश्य रूप, एक विजुअल जो अपना फॉर्म होती थी उसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, जो एक बहुत ही अत्यंत कुशल कार्य यानी कि स्किलफुल जो क्राफ्ट होती थी उसमें इसे लिया जाता था। तो सो मेसोपोटामिया के समय जो लिखना है, जो राइटिंग है, वो एक स्किलफुल क्रिएशन होती थी और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी, यानी कि साक्षरता। वेरी फ्यू मेसोपोटामियम कुड रीड एंड राइट, मतलब बहुत ही कम लोग जो मेसोपोटामिया है उसमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, यानी कि पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइन टू लर्न, यहाँ पर केवल जो हजारों चिन्हों का ज्ञान करना ही काफ़ी नहीं था। दी मैनी ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कठिन कार्यों में से एक माना जाता था। इफ़ ए किंग कुड रीड, अगर कोई राजा है जो पढ़ सकता था, ही मेड श्योर टू दिस वे रिकॉर्डेड इन वन ऑफ दीज
ब्रॉड्सफुल इंस्क्रप्शन, यानी कि उसके द्वारा जो अभिलेख यानी कि जो चीज़ें लिखी जाती थी उनमें इस चीज़ का वर्णन किया जाता था कि राजा के द्वारा इस चीज़ को पढ़ा जा सकता है। फॉर द मोस्ट पार्ट हावर राइटिंग रिफ्लेक्टेड टू मोड ऑफ स्पीकिंग, यानी कि अगर हम देखें तो जो बोलने की जो कला है उसमें अगर हम देखें अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी कि व्यक्ति किस तरीके से बोलता है, वह उसकी जो राइटिंग है उसके अंदर हमें देखने को मिलता था। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ए लेटर फ्रॉम द ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट ऑफ द किंग सो इट वुड बिगन। एक जो आधिकारिक पत्र होता था, एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरीके से की जाती थी। मतलब जब राजा को अगर कोई अधिकारी पत्र लिखता था तो उसे जब पढ़ के सुनाया जाता था तो इस तरीके से उसे लिखा जाता था, जैसा कि नीचे दिया गया है। टू मे लॉर्ड ए स्पीक, यानी कि मेरे मालिक थस से योर सर्वेंट, आपका जो सेवक है आपसे निवेदन करता है। मतलब उसमें लिखा जाता था, क्योंकि जो अधिकारी होता था वो जो पत्र लिख रहा है एक किंग को, तो उसमें सबसे पहले वो अपने जो राजा होता था उसे अनुमोदित करता था और साथ ही साथ ये लिखता था माय लॉर्ड, यानी कि मेरे मालिक, और उसके साथ लिखता था योर सर्वेंट, यानी कि आपका जो सर्वेंट है आपसे निवेदन करता है। आई हैव क्रिएट आउट द वर्क असेंट टू मी, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। मतलब उसको राजा के द्वारा जो भी काम दिया जाता था उसके पूरा होने पर उसकी जो इंफॉर्मेशन होती थी वो इस तरीके से दी जाती थी। टू मे लॉर्ड ए स्पीक दिस से योर सर्वेंट, आई हैव कैरिड आउट द वर्क असेंस टू मी, यानी कि मुझे दिया गया कार्य मैंने पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ जैसे ए लॉन्ग माइथोलॉजिकल पोयम अबाउट क्रिएशन एंड दिस, अगर हम देखें तो एक जो पौराणिक जो कविता होती थी जो सृष्टि के बारे में लिखी गई, एक लंबी पुरानी कविता के अंत में यह लिखा जाता था कि मतलब जो पोयम होती थी उसके एंड में लिखी जाने वाली जो चीज़ थी उसमें लिखा जाता था लेट दिस वेयर्स ऑफ हेल्थ टू रिमार्केबल्स ऑफ लेट द अर्लियर ट्रीच डैम, यानी कि इसमें लिखा गया था इस काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। मतलब इन जो लिखी गई चीज़ें हैं उसके बाद में जब जो पोयम का एंड होता था उस पर लिखा जाता था कि इन बातों को, जो पोयम में जितनी भी जो चीज़ें दी गई है उनको याद रखा जाए और जो बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं वह भी इनको पढ़ें, यानी कि ओल्ड मैन एंड जो अल्डर मैंस हैं वो भी इनको पढ़ें। लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कर्स देम, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर विचार करें। लेट द फादर रिपीट देम हिज सन, और जो पिता है वो अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए। मतलब जो पिता अगर इसे पढ़े तो अपने जो उनके जो सन्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए इससे जो कविता है उसको बार बार दोहराए। लेट द ईयर्स ऑफ द हार्ट्समैन बी ओपन टू देम, मतलब जो ये कविता है वो ग्वालो यानी कि जो गाय चराने वाले लोग हैं, गाय चराने वाले व्यक्ति होते हैं, ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। मतलब लोग जो पोयम है वो लिखी गई है उसको पालन करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग लिख और पढ़ सकते थे तो उनमें लिखने का जो तरीका होता था वो उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करता था, उसके अकॉर्डिंग ही जो राइटिंग है वो की जाती थी, लेखनी का उपयोग किया जाता था।